है तीन खवातीन, हर एक दो तीन ये है तीन खवातीन। हर शादी की है ये शौकीन, लेकिन मसले है संगीन, एक दो तीन ये है तीन खवातीन, हर एक दो तीन ये है तीन खवातीन। श्री अभिनंदन जी, जो कुछ पाकिस्तान मनगढ़ंत बताता रहा, किसी भारतवासी को इस पे कभी विश्वास नहीं होगा। आप बताइए सत्य क्या है, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। सर आप हिंदी में बात करो, मुझे आपका बात समझ नहीं आया, सॉरी। श्री अभिनंदन जी सत्य बताइए, सच बताइए, सच। मैं पाकिस्तान में एंटर होते मेरे जहाज को पीछे से मिसाइल हिट करता है। मतलब जब पाकिस्तान का विमान आपने गिरा दिया, तब आपके विमान में कुछ तकनीकी खराबी हुई और आपका जहाज गिरा। घंटा घंटा भर से मैं आपको बता रहा हूं, मैं कोई पाकिस्तानी प्लेन को हिट नहीं किया। सच बताइए। मैं पाकिस्तान में एंटर हुआ, मिसाइल पीछे से मेरे जहाज को हिट किया, पैराशूट इजेक्ट करके मैं बाहर निकले। जब मैं जमीन पे गिरे, मेरे को लड़कों ने मार 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 कूटा, हशर बुरा कर दी। उसके बाद मैं जान बचा के झाड़ियों में छुप गया। जब वो लड़का लोग उधर से भाग गया, तब मैं वहां से निकला, देखा आसपास, आई सॉ द ब्यूटीफुल पाकिस्तान। एंड वहाँ करीब में एक घर था, उस घर में मैं फिर जाके छुपा और कुछ दिन वहाँ पे मैं शेल्टर के लिए घुसा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ कुछ और। एंड पाकिस्तानी टी इज एक्चुअली फैंटास्टिक। Run. जान छूटे यो, सबसे करीब में यही घर है, इधर ही मेरे को शेल्टर मिलेगा। कितना खूबसूरत मौसम है कराची का, हम बारिश होने वाली है। इस घर में मेरे और मेरे जमीर के अलावा ये तीसरा कौन है जो रो रहा है? इतना भयानक और काला जमीर मेरा ही हो सकता है। जमीर भाई पीछे क्यों बैठे हो, आगे आके बैठो। थैंक यू सर। जमीर भाई कैसे आना हुआ? सर मेरे नाम जमीर नहीं है। हैं तो फिर क्या है? सर मेरे नाम अभी अभी रखा नहीं। ये कैसा नाम है, अभी रखा नहीं? अल्लाह रखा तो सुना था, ये अभी रखा है क्या, मार्केट में नया आया है? सर मेरा अब यही नाम है। अच्छा ये बताओ कि यहाँ कैसे आना हुआ? सर मैं आ रही थी, मेरे को किसी ने देखा, फिर एक जोर का आवाज आया, फिर मैं टप नीचे गिरते है। फिर कुछ लोग मेरे पास आए, मैं पूछी कौन सी जगह, वो बोले ये जगह। मैंने जैसी जगह का नाम सुना, मैंने जोर से नारा मारा, जिए भाग। भाग क्या? बारी बारी हाथों से मेरे को मारा।
मार मार के मेरे को फिर से पहुंचे कि गरीब कर दिया। ये किस तरह का गरीब है, ये किस तरह के बंटे कपड़े पहने हुए तुमने? सर मैं गरीब आदमी है, गरीब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते। सर मेरे को ना शेल्टर चाहिए, शेल्टर। वो क्या होता है? सर मेरे को रोटी कपड़ा मकान मांगता है। मैं नजर हूँ भुट्टो नहीं। सर आपका नाम नजर है? बिल्कुल। सर जो चीज आपके नाम में वो आपके काम में नहीं है, इधर क्या क्यों देखते हैं? मैं इधर बैठे। बदतमीजी, मालिक के साथ मुलाजिम की बदतमीजी, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नीचे बैठो। ओके सर, बैठिए बैठिए। अरे एक्चुअली अभी रखा नहीं साहब, मेरी अम्मी कहती थी तुम्हारी आंखें ना फैसल कुरैशी से मिलती हैं। अरे आपकी अम्मी का किसी ने कान भरे, आपकी आंखें तो आपस में नहीं मिलती। गरीब आदमी अगेन बदतमीजी। अरे मेरे जान कतड़े में खत, मेरा मतलब है इल्फाज की अदायगी को दुरुस्त किया जाए। गुरबत से सर मैं बहुत तेजी से गरीब हो रहा है। जब तक मैं 48,000 किलोमीटर पे था, अभी देखो किधर आ गया। सर प्लीज हेल्प मी सर प्लीज। ना रो यार, वैसे ही तू सादा अच्छा नहीं लगता, रोते हुए तो और भयानक हो गया। ऊपर बैठ। अभी रखा नहीं भाई, मुझे आपकी मूछें बता रही हैं कि आप काफी गरीब हैं, आपके पास तो शेव कराने के भी पैसे नहीं हैं। लेकिन तुम परेशान मत हो, नजर तुम्हें नौकरी देगा और जरूर देगा। सर प्लीज थैंक यू थैंक यू। ये वैसे सर ये सेफ है, ये इधर टेंशन तो नहीं? बहुत सेफ है, पीछे ना SHO साहब रहते हैं। फौजू डार्लिंग, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। क्या बात करनी है? मैं तुमसे नाराज हूँ? मैंने कौन सी दूसरी शादी कर ली है जो तुम मुझसे नाराज हो? तुमने मेरे ना तपले इतली नहीं दिए थे, इतली मैं नाराज हूँ। फौजू भला पहने हुए कपड़े मैं कैसे इस्त्री कर सकता हूँ? नहीं नहीं, आई एम सॉरी फौजू डार्लिंग, तुम बोलो क्या काम करना है तुम्हारे लिए। नजर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। अले तो मेरे तपले थी तलो ना देवाले। कपड़े इस्त्री लो, ये कौन सा मुश्किल काम है, ये तो मैं 2 मिनट में कर दूंगा। कौन है तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मुसाफिर हूँ जनाब। लड़की हूँ मैं। आप बहुत सुंदर लड़की हो जनाब। तो लड़की हूँ तो जनाब क्यों कह रहे हो, नजर नहीं आ रहा कि मैं लड़की हूँ? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ जनाब। अरे गरीब होने का मतलब ये थोड़ी ना कि तुम किसी भी लड़की को जनाब बोल दो। मेरे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करते जनाब? यही है तो यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली आई एम अ वेरी पुअर पर्सन, माई फैमिली इज वेरी नीडी, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, सो प्लीज काइंडली हेल्प मी। थैंक यू XYZ, योर सपोर्टेंटली। शट अप, इतनी अंग्रेजी बोल के मुझ पे क्या रोब डालना चाह रहे हो? मैं आपके घर में अपना जॉब डालना चाह रहा हूँ। तुम तो मुझे कंफर्म पागल लग रहे हो, तुम्हें बुलाया किसने भाई? वो हैंडसम से मिस्टर नजर है, वो मेरे को बोला कि ही विल गिव मी जॉब यार। हैरत की बात है, खुद तो वो जॉब करता नहीं है, तुम्हें उसने जॉब पे बुला लिया। अयो सच्ची? अभी मैं फिर मैं। अच्छा चुप करो। हाँ बैठ जाओ। हाँ मैं इधर बैठ जाऊँ? नहीं 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 नहीं, बल्कि तुम अंदर चल के बैठो, चलो। सच्ची मैं अंदर जा सकते? ओके फौजू डार्लिंग, टेंशन नॉट, नजर है ना, नौकर है तुम्हारा, इतने सारे कपड़े इस्त्री करने पड़े। पागल वागल हो क्या तुम? शब्बो मैं मुंह से पागल लगता हूँ लेकिन रियल में नहीं हूँ। सच बताना एक बार, झूठ मत बोलना। हाँ तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे आए हुए हैं ना? मेरे पास तो खर्चे के पैसे नहीं है, तो एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से आएंगे? जब पैसे नहीं है तो मुलाजिम रखने की जरूरत क्या है? मुलाजिम पैसा हो ना हो, घर में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नन्ही सी जान नजर किसी दिन काम कर करके वफात पा जाएगा। अरे वही तो पूछ रही हूँ कि किसने बुलाया उस बंदे को? कौन सा बंदा और किसने बुलवाया है? अरे बाहर जो बैठा हुआ है घोड़े की लगाम लगा के मुँह पर। मुँह पे लगाम? हाँ वो, और मैंने नहीं बुलवाया। तुमने नहीं बुलाया तो फिर किसने बुलाया है? पता नहीं, वो खुद ही आया है। हटो पीछे, मैं अभी जाके उसको निकालता हूँ। रुक जा, कोई जरूरत नहीं अब उसको भेजने की, उसको मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। अगर वो बंदा काम का है तो उससे रखो, नहीं है तो फिर चलता करो, उसे जाके बातचीत तो करो। ओके मैं ना ये जरा फौजू डार्लिंग के कपड़े इस्त्री कर लूं, फिर जाके उससे बात करता हूं। लाते बेवकूफ क्यों हो नजर,
ये कपड़े तुम उसे इस्तरी करवाओ और देखो कि अगर वो काम का है और सही से इस्तरी कर रहा है तो उसे काम पे रख लो, नहीं तो चलता करो। शब्बो, इस घर में सिर्फ एक तुम ही हो जिसे नजर की इतनी फिकर है। ओके, अभी जाता हूँ मैं। गुड। यो, एकदम मस्त, क्या फंटास्टिक लगता है। ये इधर के प्रधानमंत्री का घर है। फ्रेश फ्लावर पेंटिंग, क्या बात है। चले सर, ओके। तमाम सबूतों और गवाहों को हम मद्देनजर रखते हुए मिस्टर नजर की अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि अभी रखा नहीं को नजर ने जॉब पे रख लिया है। यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू, फैंटास्टिक, लव यू, काश आप मेरे बाप। खबरदार, अगर मुझ पे ये पाप लगाया तो। अरे किस तरह का जॉब है, मैं हर तरह का जहाज उड़ा सकती हूँ। हर तरह का जहाज, पागल क्यों, छापा पड़वाएगा क्या। बहुत ही टेक्निकल किस्म की जॉब है, तुम्हें ना जनाना कपड़े इस्त्री करने हैं और फिनिशिंग बिल्कुल मर्दाना पैंट जैसी होनी चाहिए। अगर डबल क्रीज बनाई तो नो बॉल करार देकर नजर कपड़े दोबारा इस्त्री करवाएगा। लगता है मैंने आपको कुछ ज्यादा इज्जत दे दी है। मुझे लगता है तूने अब नजर को सही से पहचाना है। सैलरी का तो मुझे खुद भी नहीं पता, जो पॉकेट मनी मिलती है ना वो हम आधी आधी कर लेंगे। I will manage. Okay, and then follow me. चले सर। Come on. आप कौन है जनाब, तो इस घर में मेरी इतनी इज्जत नहीं। अगर मैनेज नहीं होता मैं वापस ले लेता। मैं हीरो। हीरो? तमिल फिल्मों में मैं आपको देखा, हीरोइन की गोद में बच्चा बन गया। नहीं, मैं वो हीरो नहीं हूँ, मेरा नाम हीरो है। सर ऐसे तो मेरे वाले भी मेरे को हीरो बोलते हैं। आप कौन सी फिल्मों के हीरो है? तो मेरी फिल्म अभी आने वाली है। क्या नाम है उसका? He is fantastic. मैं हिंदी फिल्म नहीं देखता। इंग्लिश में इंग्लिश नहीं बेटा, बेटा मेरे फीलिंग आती है, मेरी जिंदगी खराब हो गई। मेरे लाइफ ठीक था, मेरा वाइफ ठीक था, मैं एक आदमी की बात हूँ, मैं आके लाइन क्रॉस की हूँ, मेरी वाट लग गई। तुम क्या बातें करो, मैं समझ कुछ है। तुम्हें यहाँ रखा किसने? एक बहुत अच्छा दिल का इंसान, जेंटलमैन, वो नजर साहब ने मेरे को यहाँ जॉब पे रखा। अरे वो साहब बाब नहीं है, वो इस घर का दामाद है, नमक हराम। उसकी किस्मत अच्छी थी, वो दामाद बन गया, वरना मैं दामाद बनता। सर वो एक्चुअली अभी अब छोटा है तो बड़ा हो जाओ, मैं घर वाले से बात करते आपको दामाद रखवाते। डोंट वरी, मैं फौजी से मिलने जा रहा हूँ, तुम काम वाम करो, मेरी निगाहें तुम पर हैं। नहीं, जहाज से टपके ये किधर से टपके, निगाह ही तुम पर है, घुटने मार के आंख फोड़े तेरे में। इधर भी पानी नहीं है, हानि तो हीरो के बच्चे, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं कुछ नहीं। ओ मैंने के बच्चे, तू यहाँ कुछ चोरी करने आया था ना? मैं चोर हूँ आपको तो पता है अच्छी तरह। तो फिर क्यों आया इधर? नया नौकर रख लिया और मुझे बताया भी नहीं। मेरा बाप लगता है तुझसे पूछ के नौकर रखूंगी मैं। मेरा मतलब है नौकर रखना था, मुझे रख लेती, इतने वर्षों से मैं मुफ्त में आपका काम कर रहा हूँ। अरे कौन सा नौकर, तुझे ना किसी ने गलत कहा। कोई गलत नहीं बताया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो कपड़ों पे इस्त्री कर रहा था। देखिए रो, मुझे ना तेरी कोई बात पे यकीन नहीं है, मुझे सच सच बता दे ये फौजिया के कमरे में क्या चोरी करने आया। मैं खाना खाने के लिए आया था। ओ भूखे नंगे, खाने के अलावा भी ना कुछ और सोच लिया कर। कुछ खाने को है तो दे दो, खाली पेट दलील नहीं करो, वरना वरना के बच्चे क्या करेगा, तू क्या करेगा बोल, क्या करेगा? वरना मैं कहीं और जाके खा लूंगा। ए रानी मनुष कहीं का। हाँ हाय, कौन हो तुम्हारी इस घर में क्या कर रहे हो? ए, मैं अभिनंदन है, ठीक है
मैं फाइटर पायलट है और देखो देखो मेरे से क्या काम करवाती है लोग। फाइटर हो तुम? एक मिनट रुको, मैं सब कार वालों को बुलवा दूँ, फिर अपनी फाइट शर्ट दिखाना। हाँ Actually, I am the servant of the family. I am here to serve you people, so no need to worry about anything. Relax, chill. हाँ हाँ मुंह पार के मेरे सामने English बोल दी, पंदा पंदा देख के बात करता है। क्या बोला है? क्या बोला है तूने मुझे? मैं बोला है, मैं आपका न्यू नौकर है, ओके? और आपके गेटअप से लगते हैं आप इस घर की छोटी मालकिन, राइट? उम्र में तो मैं छोटी हूँ, लेकिन इस कार की मैं बड़ी मालकिन हूँ। You deserve it, yes. कि मैंने एक गलत तो दस, मेरी परमिशन के बगैर तुम्हें इस घर में नौकर किसने रखा? वो जनाब नजर साहब ने मेरे को नौकर रखा। ना तो वो जनाब है ना साहब है, हराम खोर मुफ्त की रोटियां तोड़ता है, इस घर का दामाद है। वाह वाह, क्या पोल्ट्री बोलती मैडम, वाह क्या बात है आपके। तो मैं फिर ये काम फिनिश करती छोटी मालकिन। ना हाँ। छोड़ दो स्त्री विस्त्री, अब तुमने सिर्फ वो काम करना है जो मैं तुम्हें बोलूंगी, किसी और का काम नहीं करना, क्योंकि मैं इस घर की बड़ी मालकिन हूँ। मैं काम क्या करेगी मैडम? ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि काम क्या करवाना। कृपा कर मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। ओ, किसी से कोई मदद शदद नहीं मांग रही हूँ, जो काम करना है खुद ही करना है। नहीं मैं वो मैं खुदा से मदद मांगता हूँ, खुदा खुदा मैं नया नया गरीब हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, खुदा से तो सभी मदद मांगते, मांगो मदद मांगो। जब तक मैं सोच के आती हूँ कि कार के क्या क्या काम तुमसे कराने, ठीक है? ठीक है मैडम, मांगो मदद। अच्छे से सोचना, कोई ब्रिलियंट काम, ओके? इस सारे घर में एक मैं ही मिला हूँ सबको। मेरा नाम अभिनंदन है, मैं फाइटर पायलट। पहली मुलाकात है। बड़े गाने शाने सुने जा रहे हैं। क्या गाने? क्या निकालो इसे। मैं पूछ रही हूँ, गाने सुन रही हो बड़े मजे से आराम से बैठ के? मैं गाने बैठ के सुनू, उठ के सुनू, डांस करके सुनू, नाच के सुनू, तुम्हें क्या? तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? मेरी माँ का घर है। हाँ, दफा दूर, मेरी बला से जहन्नुम में जाओ। मैंने सिर्फ ये पूछना था, इस कार में जो नौकर रखा है किसने पूछ के रखा है? क्यों, अब नौकर भी तुमसे पूछ के रखेंगे क्या? ये जो तुमने नौकर रखा है ना, ये मेरे भी काम करेगा। अच्छा तो ठीक है, फिर तनख्वाह भी तुम ही दे देना। हाँ दे दूंगी तनख्वाह, तुम्हारी तरह फटीचर नहीं हूँ। फुल देहातन है, हातम ताई की औलाद कहीं की, बेवकूफ। साले तपले दिला दिए, कौन है तुम? आप कौन है जो मेरे को नींद से उठा के गालियां देता है? मैं तुम तो गाली नहीं दे रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ तुम हो कौन? ऑडियो का मसला है, मैं इस दल का नया नौतल हूँ। ये कपड़े तो मेले हैं, नजर दीदी मेरी भी नौकर लग लिया है। अली बाप नजर साहब इज फैंटास्टिक। हाय अच्छा ठीक है, अब तो तुम मेरे नौकर हो, मेरे लिए होता था तल सकते हो। अभी सुबह मैं ही जहाज गिरा है, ओके? दैट ऑप्शन इज फिनिश्ड, नॉट सपोज टू डू दैट अगेन, सॉरी। ठीक है, थकते हो दे ना काम करते तर, चाय पियो दे। प्लीज प्लीज बहुत थक गया। तुम ये चाय पियो और ना अच्छे से काम करना, ठीक है? अच्छे अच्छे काम करना। चाय कहती है टी इज फैंटास्टिक। ठीक है नजर दी, थैंक यू। मैं चाय पीते मजे से दाड़ में जाएगा। हाँ पाकिस्तानी चाय वड़प्पम। ये क्या बला रही है? चोर चोर चोर, किसके जहाज गिरे? चोर करे, चोर 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 बल नहीं, बोलो कौन हो? बोल के मेरे दिल छोटा मत करो आंटी। ओ आंटी होगी तेरी माँ। ये सासू माँ, ये देख ये कौन है? चोर चोर, ये चोर है सासू माँ। मुझे ना पहले ही शक था कि ये चोर है। हाँ मुझे यकीन, तू और ये मिलके ना हमारे घर में कोई बहुत बड़ा डाका डालने वाले हो। ऐसी कोई बात नहीं है। There is some misunderstanding. I need to clear that. Just give me one opportunity, please. आई सबने इतना decent and graduate नौकर आपके नसीब में था क्या? मुझे सब पता है, इसकी और तेरी कोई प्लानिंग है।
इस घर में कुछ करने की। सासुमा यसू कुंजू ना खेलें, गरीब आदमी था, नौकरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा था, नजर ने इसे नौकरी पे रख लिया। हाँ बहुत अच्छे, शाबाश, इसको नौकर रख लिया है, ना मुझसे पूछा ना मुझे बताया। अब सुन ले, जो मैं कहूंगी ना वो इसको करना होगा। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, ये बिल्कुल ठीक है, आप जो बोलते आंटी मैं वो करके दिखाती। जो आप बोलते आंटी मैं वो करके दिखाती, मैं भी जो बोलते वो तुमको करना होगा, समझ गया ना? आप बोलो क्या करने को। इस घर के जितने भी बाथरूम है ना वो तुझे ऐसे जूने से मांझने होंगे। मेरे को अगर तूने बाथरूम साफ नहीं धोए और तेरा इरादा नहीं है धोने का तो इस घर से छुट्टी कर, चल निकल। नहीं आंटी प्लीज प्लीज, मैं बाथरूम धोते प्लीज, आप बताओ लोकेशन, बताओ लोकेशन। देख नजर, तूने ना इसको नजर रखनी है। ओके, और अगर इसने बाथरूम सही नहीं धोए तो सारे बाथरूम तुझे धोने होंगे। मैं क्या बोलते नजर साहब, पहला हाथ आप लगाओ, दूसरा मैं ट्राई करते। क्या मतलब? नेशनली हो पाकिस्तान आगे लेटरिन साफ करते हैं, आइए मक्खियां मारते हैं, चुपकलियां बजाते हैं, कैसे कंट्री हमारा। अभी तो कोई नहीं, मैं थोड़ा रेस्ट करते हैं, कैसे लॉन्ग दिमाग राम करने के पास। अयो ये क्या? अरे चीफ और चल, ये सॉरी यार, ये क्या कर रहा है? मैं देख रहे थे कितनी ब्यूटीफुल व्यू लगती है टॉयलेट के, कैसे में चमक गई एकदम, वड़कम कर दिया सर। तो ये क्या कर रहा है? ये मैं चेक कर रहा था कंफर्ट है कि नहीं है। तू काम चोर आदमी है, रेस्ट करने बैठ गया है। हमारा कंट्री में टॉयलेट नहीं है, आपका टॉयलेट मुझे मेरा हनीमून का बेडरूम लग रहा है। किस तरह की बैकी बैकी बातें कर रहा है, चालू दूसरा वॉशरूम भी साफ करना है। यस सर, कोड़ा रेडी, 1 2 3 गो, नेक्स्ट टॉयलेट है, मेरा जहाज निकालो। सर आपसे एक दिल का बात शेयर करते। जी बोले। मेरा जहाज गिरा था ना, काश मैं उसी के साथ मर जाता। कौन सा जहाज? सर आपसे एक और दिल की बात शेयर करते। जी बोले। ये आर्मी का सोल्जर ऑलराउंडर होता है, सारा काम करता है, बाथरूम धोता है, बर्तन धोता है, झाड़ू लगाता है, सब करता है, बस जो काम उसको दिया जाता है वो नहीं करता है। वो कौन सा? जहाज उड़ाने का काम। कैसा साइड दिया? अभी मेरा बाप बोलेगा बर्तन दो। बर्तन दो। वेरी गुड। ड्रा क्यों रहा है, कहाँ जा रहा है वो? सर इधर के घर का सारा बाथरूम क्लियर करिए, अभी उधर जाके बाथरूम क्लियर करते, मेरे थोड़ा हेल्प करवा। ओके। अबे बेवकूफ आदमी, उस वॉशरूम में क्यों घुस रहा है? वो तो एसएचओ साहब का घर है। पाप बटे से। कपड़े कौन इस्त्री करेगा? सर मेरे को बड़ी बेगम ने मना किया है। यहाँ तो बहुत सी बेगमात हैं, तुझे कौन सी वाली बेगम ने मना किया है? सर वो जो अजीब से कपड़े पहनती है, 24 घंटे मुंह पर मेकअप करके घूमती, वो मना किया। तुम जहारा की बात कर रहे हो ना, वो हमारी सेकंड वाली सासू माँ है। फिर मैं क्या करूं सर, मैं किसकी सुनूं? तुम सिर्फ नजर की सुनो, क्योंकि तुम नजर के मुलाजिम हो, वरना नजर तुम्हें इस घर से निकाल देगा। सर प्लीज मेरे को नहीं निकालो, वो लोग मेरे को जान से मार देंगे, मैं बहुत गरीब आदमी। किस किस्म का गरीब है जिसकी जान के पीछे लोग पड़े हैं? वो वाह वाह, मैं ही लोगों से कर्जा लिया ना, जिनसे कर्जा लिया वो मेरे को जान से मार देंगे। तुमने क्या नजर से ज्यादा कर्जा लिया हुआ है जो इतना डर रहा है? लेके जा रहा है इसे सासू माँ का वॉशरूम धुलवाने। पहले मेरा काम करेगा। नहीं पहले मेरा। पहले मेरा। पहले मेरा। मेरा। मेरे ड्रेस बीच से खुलते ही मैं नहीं खुलते, जो बड़ी बेगम बोलेगी मैं वो काम करेगी। ओके मैडम, कोई काम सोचा मेरे लिए? हाँ मैंने सोच लिया, बाथरूम धो दो मेरा, आ जाओ।
यो, मैं एक बाथरूम से जो निकला मुझे दूसरे बाथरूम का काम ना था। तुमने देखा है इसका कितना दिमाग है, ये ना नजर की हर बात को ना चीट करती है। सर एक बात वो रिमाइंड नहीं करना, आपके पूरे घर में दिमाग जैसे कोई चीज है, आप सबका चेचे सुधरे भाई, ओपन लेटर पे घूम रहे हैं आप लोग। ओ नजर के बच्चे, नौकर के सामने मेरी बेइज्जती खराब करती तूने, ऐसी उल्टे हाथ की चिपेड़ लगाऊंगा ना तेरी सारी बत्ती सी अंदर हो जाएगी। मुझ कल्ली के पास ना तुम सब लोगों से पूरे खानदान से ज्यादा दिमाग है, समझा तू? अंदाजा लगाया है आपने, ये चंगी पली सफेद लड़की है और खुद को काला बोल रही है। सर मैं भी सफेद था, लोगों ने बोल बोल के कैसा काला कर दिया मेरे को। आ जाने दो मेरे खादिम जी को, बताऊंगी कि भैंगा जो है ना, भैंगा मुझ पे लाइने मार रहा था। इतने बुरे दिन आ गए हैं नजर के। सर आप अपना नजर उतरवाओ, चल मेरे साथ बाथरूम में। नहीं ये कहीं नहीं जाएगा, सासू माँ के काम से जाएगा। हाँ मैं नहीं डरती तेरी सासू माँ से, बता दे उस बुड्ढी को जाके। मैडम बाथरूम में, मैं कब से बाथरूम। इस देख में नजर इस किस्म का मसाला ऐड करेगा इनके जहाँ आ रहा और ससुर अब्बू इस घर से। बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये अजीब सा आदमी हमारे घर आके नौकरी मांग रहे, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? अजीब तो मुझे भी लग रहा है, ऐसी मुझे तो चंगेज खान के दौर में हुआ करती थी। मुझे की बात नहीं कर रही, मुझे तो ये कोई चक्कर नहीं लग रहा। अरे वालदा तो चक्कर लगे या ना लगे, हमें तो फ्री का मुलाजिम मिल गया। ये आधी वाला किधर है? सासू माँ कहाँ रह गया था, कहाँ से आ रहे? वो मुझे रस्ते में ना जहारा मिल गई थी। जहारा मिल गई थी? तू तो ऐसा कह रहे जैसे नाजिमाबाद से डिफेंस जा रहा था, गुरु मंदिर में जहारा मिल गई। नहीं नहीं गुरु मंदिर में नहीं, अंबार पोर्च में मिली थी। हाँ तो क्या हो गया? सासू माँ मैं आपको बता नहीं सकता कि उसने क्या बोला। ओफो बता भी दो कि क्या बोला है उसने। उसने आपके लिए बोला है कि संजीदा जो है ना वो बुढ़ी औरत है, एक पैर उसका कब्र में है और दूसरा केले के छिलके पे, रात को 11 बजे 2000 रुपए का मेकअप मुंह पे करके वो बुढ़ी औरत घर में घूमती है। उस कमबख्त की ये मजाल, उसने ये सारी बातें की मेरे लिए? नहीं उसने तो आपको सिर्फ बुढ़ी औरत बोला है, बाकी बातें तो मैंने वो आपको बताई हैं जो उसके दिल में थी। तू मेरा दामाद है या उस कलमुई का? नहीं नहीं ओरिजिनली तो मैं आपका दामाद हूँ, आप मेरी सासू माँ हैं, उसको तो मैंने कभी अपनी सेकंड सासू माँ समझा ही नहीं। दफा हो जा, जैसे दफा हो जा। सिर्फ अच्छा था मैं फौजिया की शादी हीरो से कर देती। क्या देख लिया सासू माँ आपने उस तेज बटन में जो नजर में नहीं है? इतना पागल बेवकूफ और बेवफा नहीं है मनोज, निकल जा यहाँ से, दबा हो जा। थैंक यू फॉर योर कॉन्टिनेंटल। दबा और उसको देख ले, वो बाथरूम सही से साफ कर रहा है कि नहीं। वादा तो नहीं, गलत इंग्लिश बोल के गया, कॉम्प्लीमेंट होता है थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, ये कह रहा कॉन्टिनेंटल। अरे दफा करो जो भी है, अभी मैं वैसे ही परेशान हूँ। एक गल तो मैंने दस, तू सच्ची सच्ची? जी मैडम पूछो। जिस तरह से तू काम कर रहा है ना, मुझे लगता नहीं है तूने कभी लाइफ में काम किया है। यो मैडम आप बिल्कुल करेक्ट पहचान, ऐसे काम मैं जिंदगी में कभी भी नहीं किया। तो फिर क्यों कर रहा है? मेरा नसीब फूटा ना, मैं मोदी की बातों में आता ना मेरा ये दुर्गत बनता। ये मोदी कौन है? ये हमारे कंट्री का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ये क्या बला है भाई? जैसे आपके कंट्री में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है राइट? हाँ तो इमरान खान तो तुम्हारा भी प्राइम मिनिस्टर हुआ ना? नहीं यही तो अंदर का बात है, मैं आपको सच सच बताता हूँ, मैं हिंदुस्तानी है। सुबह मेरा जहाज आपका फोर्सेज ने गिराया, सबसे मैं जान बचाते हुए घूम रहे, जान की खातिर मैंने एक दिन में 3 लेटरिन मैं नौ मरतबा साफ किए, मेरे अपने लेटरिन बन गया है। प्लीज कुछ करते, मैं ये झाड़ू के साथ हाथ जोड़ते मेरे को बच्चा लेटर दे, मैडम कुछ करो प्लीज। ना 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 तू रोनी रोनी, मैं तेरे लिए कुछ करती हूँ, हाँ करती हूँ कुछ, मैं क्या करूं? मैं एक बार और लेटरिन साफ किए, मैं उसी कमोड में अपना चिता जलाएगा। ओ मंगला
ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना भाई, सोचने दे मेरे को। मैडम थोड़ा जल्दी सोचो, आपको जब तक आइडिया आएगा मेरा लेटरिन साफ करने का सेंचुरी हो जाए। प्लीज प्लीज ना ना ना, सब्र कर, मुझे सोचने दे। पुलिस स्टेशन? ना जी, अस्पताल है ये। लेकिन मैंने तो पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाया। ओ अन्नी दिया, जब पुलिस स्टेशन मिलाया तो पुलिस ही होगी ना, डॉक्टर तो उठाने से रहा। नहीं वो तो मैं कंफर्म कर रहा था। अब कंफर्म हो गया ना। सर मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देना चाहता हूँ। हमारे घर में एक हिंदुस्तानी फौजी जख्मी हालत में घुसा आया है। ओए, ओए जल्दी से अपने कार का एड्रेस लिखवा, जल्दी कर। सर मुझे इतला देने पर इनाम मिलेगा? बस बेटा इसी तरह ईमानदारी और लगन से काम जारी रख, तुझे इसका सवाब मिलेगा। अबे फौरन, ओ खबरदार, जो भी इस कार में मौजूद है हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए, पुलिस ने इस कार को चारों तरफ से घेरा हुआ है। सबसे पहले तो इस छोटू को गिरफ्तार कर। ओके बॉस। मैं क्या बच्चा हुआ करता हूँ, बॉस का बच्चा? ये मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहा। अरे सर मैंने ही तो फोन किया आपको। अच्छा तो तू है वो जो मुझे फोन कर करके मेरी हटाता है और ऊपर से रिश्वत की ऑफरें भी करता है। सर मैं रिश्वत की बात नहीं कर रहा, सर इनाम की बात कर रहा था। अरे क्या हुआ, क्यों आए लोग? वाह मैडम वाह, एक पानी फौजी को अपने कार में छुपाया हुआ और ऊपर से भरम करवा रही हो। क्या ये हीरो फौजी है? ये जो वाले ये क्या बच्चों को फौज में रख लेते हैं? यस आंटी इधर से। सर मैं सोल्जर है, इन लोगों को अरेस्ट करो सर। ये लोगों ने छह छह मरतबा मेरे से बाथरूम साफ कराए, घर के पर्दे इस्त्री करा दे सर, मेरे घर से ले चले सर। आए बस आहिस्ता आहिस्ता सब पता चल जाएगा। बात सुनो, एक तो तुम लोगों ने फौजी को अपने कार में पनाह दी हुई है और ऊपर से हैरान होकर पुलिस को परेशान करने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। पुलिस वाले अंकल, मुझे सासू माँ के सर की कसम, हमें नहीं पता कि ये फौजी और हमने इसे पनाह नहीं दी। अच्छा आपकी तारीफ? नजर लेना कभी अपनी तारीफ खुद नहीं की, दुनिया करती है। मैं ना फौजू डार्लिंग का शौहर हूँ। ओ आजत, असल मुजरिम तो ये किसी ने अभी लंदन को अपना दी हुई थी, इसको गिरफ्तार करो। आ जाओ। नहीं मुझे छोड़ दो, इन्फॉर्म पुलिस वाले अंकल, छोड़ दो मुझे, मुझे मत लेके जाओ, मेरे खिलाफ साजिश हुई है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं किसी को, नहीं छोड़ूंगा मैं, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो। ये सब ना मेरे मेरे खिलाफ हीरो की चाल है, कुछ नहीं किया मैंने। नकल दी ताओ दे उठे ना, प्लीज ताओ दे आप तो। ओ भेंगे, पागल तो नहीं हो गया तू? और नहीं तो क्या, इतनी सुबह चिल्ला के पूरे घर को उठा दिया इसने। नहीं नहीं पुलिस कहाँ है, मैंने किसी को पनाह नहीं दी। कौन सी पुलिस और किसको पनाह दी है? सासू माँ, फौजी, अभिनंदन। अब मैं समझी, ये मनोज टीवी देखते देखते सो गया है, इसलिए उल्टे सीधे ख्वाब आ रहे हैं उसको। नहीं नहीं कोई ख्वाब नहीं देखा मैंने, अब मुझे पता चल गया है कि इस घर में कौन मेरा अपना है और कौन पराया। हीरो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सासू माँ हट जाए पीछे, वरना मैं आपको भी काटी कर लूंगा। हीरो के बच्चे, ये है तीन खवदी। और आखिर कोई नहीं कौनों गांव के वासी हो तुम, जान पे लगा कहती बच्चे से सवाल कैसे कर रही यार? बाथरूम नहीं मैडम।